हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। आज का हमारा टॉपिक है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। तो जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट वो सारे अग्रीमेंट्स होंगे जिनके वजह से कॉम्पिटिशन पे बुरा असर पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसी अग्रीमेंट जिसके वजह से मार्केट में कॉम्पिटिशन को हैम्पर हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप कम कर रहे हैं उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट पांच कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं, पांच टाइप्स में। तो मोस्टली अब जितने भी आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन को अफेक्ट करने के लिए अगर कोई अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं ना, तो वो इन्हीं पाँचों में से कोई ना कोई कैटेगरी में ज़रूर पाया जाएगा। तो देखते हैं वो पांच कैटेगरीज कौन सी है। सबसे पहली है टाई अप अग्रीमेंट। तो टाई अप अग्रीमेंट एक ऐसी तरह की अग्रीमेंट होती है जहां पर आपको ख़रीदना एक चीज़ होता है, बट आपको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि आपको दूसरी चीज़ भी ख़रीदनी होगी अगर आपको पहली चीज़ चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो समझिए कोई कंपनी है जिसकी एसी बहुत अच्छी है एंड आप वहाँ पर वो एसी ख़रीदने गए हैं, बट उन्होंने ऑफ़र ये लगा रखा है कि अगर आपको ये अच्छी वाली जो एसी है ये अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको उसके साथ ये टेबल फ़ैन जो है ये भी ख़रीदना पड़ेगा। अब वो टेबल फ़ैन ज़रूरी नहीं है कि उतना ही अच्छा हो, उतना ही फेमस हो, क्वालिटी वाला हो, बट आपको वो ख़रीदना पड़ेगा अगर आपको वो अच्छा वाला एसी ख़रीदना है। तो कई बार लोग ख़रीद लेते हैं। तो ये जो टाई अप अग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक सामान के साथ ज़बरदस्ती दूसरा सामान जो ओके क्वालिटी का हो या जो ठीक ठाक हो वो साथ में ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है, तो ये ऐसे टाइप के अग्रीमेंट को बोला जाता है टाई अप अग्रीमेंट। अब आप सोचेंगे कि सामान तो बिक रहा है, इसमें कॉम्पिटिशन कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अगर आप सोचिए, अगर ये टेबल फ़ैन ज़बरदस्ती नहीं वो लोग अपने कंपनी से बिकवा रहे होते तो आप जाके कहीं और मार्केट से कोई और अच्छा वाला लेते फ़ैन, जो प्रॉपर फ़ैन्स के लिए फ़ेमस होता, उस कंपनी का लेते फ़ैन, राइट। तो कहीं ना कहीं उसने वो कॉम्पिटिशन को हैम्पर किया, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट किया। तो ये हुआ टाई अप अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट। तो ये एक ऐसी टाइप की अग्रीमेंट होती है जहाँ पे जो परचेज करने वाला होता है उसने रिस्ट्रिक्ट किया होता है, कंडीशन डाला होता है कि आप बाय करेंगे गुड्स किसी और से नहीं, सिर्फ इसी से। मतलब एक्सक्लूसिव सप्लाई, मतलब अगर मैं किसी को कुछ सप्लाई कर रही हूँ, एसी का मतलब बिजनेस है, मैं अगर एसी सप्लाई कर रही हूँ तो मैं सामने वाले को बोलूँगी कि अगर आप सिर्फ मेरा एसी बेचेंगे तो ही मैं आपको दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। तो मतलब आप किसी और का सामान नहीं बेचेंगे, आप एसीज बेचेंगे तो सिर्फ मेरी कंपनी की। तो ये कहलाएगा एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट। तो इसका इम्पैक्ट कॉम्पिटिशन पे कैसे पड़ रहा है ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत क्लियर है कि बहुत क्लियरली वो जो अगर समझिए कोई रिटेलर है तो वो किसी और की एसीज नहीं बेच पा रहा क्योंकि मैंने अग्रीमेंट में ऐसे एंटर किया है उसके साथ। तो ये भी कंपटीशन को ख़राब इम्पैक्ट दे रहा है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। तो ये थर्ड अग्रीमेंट भी उसी तरह से है, सप्लाई के बदले डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि आप यहाँ के अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा, जैसे मैं एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये मैं एरिया वाइज लिमिट कर सकती हूँ कि भाई तुम लोकल लिमिट में ही बेचो, उसके आगे मत बेचना, उसके आगे मैंने किसी और को दे के रखा है बेचने के लिए, मतलब जो भी रीज़न हो ये एरिया में ही मतलब मैं भेज दूँगी ये सामान आपको बेचना है, बट आप ये शहर के बाहर नहीं बेच सकते, महाराष्ट्र के बाहर या फिर स्टेट के बाहर, एक महाराष्ट्र के बाहर नहीं बेच सकते, यूपी के बाहर नहीं बेच सकते। तो कोई एक रिस्ट्रिक्ट कर दूँगी मैं लोकेशन वाइज, या म्यूनसिपल आप लोकेलिटी में ही बेचिए, ये सिटी से बाहर नहीं जाइए। तो किसी भी तरह से अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन में अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ तो ये हो गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। रिफ्यूज़ल टू डील। तो जो चौथा अग्रीमेंट है ये है रिफ्यूज़ल टू डील। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं क्लियर कट अग्रीमेंट में एंटर कर रही हूँ, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ एंटर कर रहा है
ये क्लियरली मेंशन करते हुए कि अगर आपको हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना है तो आप फलाना पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको मेरी कॉम्पिटिटर, अब इस केस में वही होगा राइट, मेरे कॉम्पिटिटर की आप कोई भी सामान नहीं बेचेंगे, कोई सामान नहीं रखेंगे। तो ये हो गया रिफ्यूज़ल टू डील। तो उन दूसरे मैं किसी का भी बता सकती हूँ कि ये है वो है, तो आपको वो जितने भी हैं या जिनका ना मैं नाम लूँगी, उन पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन में आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया रिफ्यूज़ल टू डील। तो ये कॉम्पिटिशन को कैसे हैम्पर कर रहा है, ये भी एक तरह से आपको रोक रहा है, किसी एक पार्टी को वो मजबूर कर रहा है कि आप उनके साथ ट्रांजैक्शन में एंटर मत कीजिए, जबकि ये चीज़ कोई नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप किसके साथ क्या अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी अग्रीमेंट है जो आपको रोक रही है और जिसके वजह से कॉम्पिटिशन इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये होगी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। नाउ लास्ट अग्रीमेंट है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो सामान बेचने वाला होता है ना, वो एक कंडीशन रखता है कि आप ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको एक पर्टिकुलर प्राइस लिमिट है, इसके नीचे नहीं बेच सकते। तो ये यूजुअली होता है ब्रांडेड चीज़ों के लिए कि मुझे पता है कि मैं अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो इस शहर में सस्ते में मिले, वो शहर में कम महंगे में मिले, राइट। तो मैं चाहूँगी कि ये जिस भी शहर से बिकाए हर जगह सेम प्राइस हो, ताकि वो ब्रांड वैल्यू बने। तो मैं ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अग्रीमेंट में अगर एंटर कर रही हूँ तो मैं अपने रिटेलर्स को बोल दूँगी कि ये टी शर्ट समझ लीजिए 2500 की है, तो 2500 के नीचे बिल्कुल नहीं बेचनी, डिस्काउंट देना है कुछ भी करना है कर लो, बट 2500 के नीचे आपको नहीं बेचनी, क्योंकि उससे नीचे बिक गया तो मेरे ब्रांड का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, समझिए। तो ये होती है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कि वो आगे बेच रहा है, आगे कस्टमर को कौन से प्राइस पे बेच रहा है वो मैं डिसाइड करके दे रही हूँ, ये है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो इससे भी कॉम्पिटिशन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो हमने सीखे आज, ये 5 अलग अलग टाइप के एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स थे, जिनके बारे में आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, एंड ये कॉम्पिटिशन एक्ट में इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए। थैंक यू।